यहाँ पे स्कूटी की बहुत मारा मारी है। और जैसे तिब्बत में पैलेस है, सेम उसी की तरह इसको लुक दिया गया है। तो गाइज ये जगह तो जबरदस्त है। जैसे मैं अंदर एंटर किया तो दलाई लामा जी की फोटो लगी थी, मुझे लगा सच में बैठे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। डे 8 में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा प्लान कुछ और था अभी। मैं सोच रहा था कि दोपहर को 2 से 8 बजे तक लूँगा स्कूटी रेंट पे, बट फिर एक और भाई और है जो गुरुद्वारा में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भी घूमना है। तो आधा आधा रेट कर लेंगे स्कूटी का, जितना भी होगा 800 रुपये 900 रुपये हाफ ऑफ कर लेंगे। तो जो जगह मैंने देख ली, वो जब तक वो जगह देखेंगे तब तक मैं अपना एडिट कर लूँगा, और जो जगह नहीं देखी वो दोनों साथ में जाएंगे। तो अभी फिलहाल रेडी हो चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं। लेट्स गो, चलते हैं। पहले स्कूटी रेंट पे लेनी है, उसके बाद निकलेंगे जोरावर फोर्ट की तरफ। और मैंने प्लान अपना सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। सुबह बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और कल शाम को भी बारिश हो रही थी। जब आपने देखा होगा मैं गुरुद्वारा में था, ऐसे मौसम में घूमना ठीक है? बहुत तेज़ धूप में फिर चेहरे का हाल देखना क्या हो गया सिर्फ 8 दिन में। तो इसलिए धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। तो मेरे साथ मुकेश भाई आज ट्रैवल करने वाले हैं। कैसे ब्रो? I'm good. कहाँ कहाँ घूमोगे आज? जोरावर सिंह फोर्ट, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम गाइस, दो जगह तो अभी हम पहले घूमने वाले हैं। लो जी पहुँच गए माल रोड में, यानी कि आगे मेन मार्केट में। तो गाइस 10:05 हो गया है, स्कूटी हमें नहीं मिल रही। यहाँ पे स्कूटी की बहुत मारा मारी है। ये तो लिमिटेड स्कूटी है और ऊपर से वो सारी ऑलरेडी बुक रहती है, तो हमें स्कूटी नहीं मिली। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, दूसरी जगह मिल जाए तो ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बाइक चलती है, वो भी हिमालयन रेंट पे। तो अगर आप लोग आओ तो एडवांस बुकिंग पहले से कर लेना, वरना फिर हमारी तरह भटकते रह जाओगे। यहाँ पे हर चीज़ दूर दूर है, तो आप लोग ऐसे घूम भी नहीं पाओगे पैदल बस में। मैंने जिस दुकान से कर ली थी स्कूटी, बस 3 ही स्कूटी थी और तीनों चली गई। कल ही जैसे मैंने उसके पास ड्रॉप करी, तीनों स्कूटी बुक हो गई। तो इतनी फास्ट बुकिंग होती है। तो अगर आप लोग आएँ तो एडवांस में पहले ही कर लें। हम लोगों ने गलती कर दी, इसलिए हम लोग पिछले 40 मिनट से ऐसे ही घूम रहे हैं। तो गाइस 2.5 घंटे बाद स्कूटी मिली है। ये क्रैक है, देखो स्क्रैच, ठीक है। लोजी गाइस, हम लोग पहुंच गए थिस्के मोनेस्ट्री। जैसे मैंने आपको कहा था कि जोरावर फोर्ट हम लोग जाने वाले, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया। तो अभी हम लोग हैं लेक की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री, जो कि है थिस्के मोनेस्ट्री। जो जो डिटेल्स होंगी आपको एक एक करके बताता रहूँगा। पार्किंग फ्री है इस साइड पे, सारी 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर जो भी आपके पास है सब फ्री पार्किंग है। तो ये है मोनेस्ट्री, THIKSEY। टिकट कितने की है? तो गाइस 50 रुपये की टिकट है पर पर्सन। सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है ये, तो आप लोग देख लेना। अभी आज मौसम अच्छा है, वरना तो बहुत गर्मी रहती है। और ले सिटी से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो आप लोगों को स्कूटी हायर करनी पड़ेगी, या तो बाइक या तो गाड़ी। पैदल वैदल किसी के बस की नहीं है। इधर हर एक चीज़ आपको दूर दूर मिलेगी, तो देख के बताऊँगा कैसा है, बढ़िया है या नहीं है, ठीक है। ये था दूसरा एंट्री गेट। ये गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट है साइड, और अंदर चीज़ें भी मिल रही है, जैसे बाउल जैसा होता है जो हिलाते हैं, और बुद्धा जी की मूर्ति वगैरह, हर एक चीज़ इस साइड मिलेंगी आपको। इस जगह के लिए कोई परमिट वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग आराम से गाड़ी से आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो। पैदल वाला रास्ता आपको दिखाता हूँ, ले सिटी से नहीं, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ पैदल। तो गाइज ये थिक्से मोनेस्ट्री 15th century के मिड में बन गई थी। तो आपको जहाँ पे भी ये दिखे मंत्र उच्चारण कर लीजिए, ओम माणि पद्मे ओम। ये देखो गाइज पूरी
जैसी दिखती है थिक्से बोनस की। अगर आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ के थक जाते हो तो आपके लिए बैठने की सुविधा है हर जगह पे, फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। अभी थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, रेड कलर की बिल्डिंग है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखो इस तरीके से। और अगर आप लोग मेन रोड से आ रहे हो तो गाड़ी यहाँ पे आके पार्क कर सकते हो। ये पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता बना है। और गाइस इस मॉनेस्ट्री का निर्माण लाडन संगो ने करवाया था, और जैसे तिब्बत में पैलेस है सेम उसी की तरह इसको लुक दिया गया है। थिक्से मॉनेस्ट्री का प्रांगण कुछ इस तरीके का है, शेर बने हुए हैं दो, और कुछ ऐसा लुक है देखो, बढ़िया है, कुछ ऐसा बना हुआ है पूजा करने के लिए देखो। और इस साइड लामा जी की बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है। तो वैसे ये होता पूजा के लिए जैसे हवन वगैरह करते हैं, मैं उसी से समझ गया था क्योंकि काला और रखा था इसलिए। तो पूजा पाठ के लिए ये जगह है। पहले चलते हैं मंदिर की तरफ जहाँ पे 50 फीट ऊंचे बुद्धा जी की मूर्ति है। यहाँ लिखा तो है कि कीप साइलेंस नो फ्लैश। देखते हैं, लेट्स गो। पीछे की साइड था मैत्रेय टेम्पल जो आपको दिखाया था मैंने, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की 50 फीट ऊंची मूर्ति थी जिसमें पालती मार के बैठ रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत थी। और अंदर जो पेंटिंग कला प्रस्तुत कर रखी थी बहुत प्यारी थी। उसके बगल में था तारा मंदिर, उसमें बहुत सारे बौद्ध भगवान के रूप उनके स्टैचू बना रखे थे, और कई और लोग भी थे जिनके स्टैचू बना रखे थे जिनके बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ, बट बहुत खूबसूरत था बहुत ज़्यादा, और बुद्धा की मूर्ति बहुत ज़्यादा थी। ये जगह तो ज़बरदस्त है। जैसे मैं अंदर एंटर किया तो दलाई लामा जी की फोटो लगी थी, मुझे लगा सच में बैठे हुए हैं, कसम से झूठ नहीं बोला। और उसी गेट से पीछे की तरफ है गौतम बुद्ध जी की मूर्ति जो कि ये रही, बड़ी खूबसूरत। लोगों ने यहाँ पे पैसे चढ़ा रखे हैं, और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, दूध दही जो भी चीज़ होती है, खाने पीने के सामान सब चढ़ा रखे हैं, हर एक चीज़।
शांति बनाए रखें। लेकिन अभी कोई भी मॉन्क नहीं बैठे हुए, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। जब कोई बैठा होगा, प्रेयर कर रहा होगा, तो बात मत करना आप लोग। इस जगह पे सारे मॉन्क बैठ के प्रार्थना करते हैं। गाइज आगे मैं टॉप फ्लोर पे, लेकिन जो प्रोटेक्टर वाली मूर्ति थी ना, बहुत खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि काली माता की मूर्ति है, फेस ढका हुआ था। और यहाँ से आप एक लुक देखिए कितना खतरनाक है। पीछे बैक में अगर आपको नदी दिख रही होगी तो वही है सिंधु नदी, यानी कि इंडस रिवर इधर को बहते हुए आ रही है। बहुत प्यारी मॉनेस्ट्री है, मज़ा आ गया इसको देख के। प्रोटेक्टर मूर्ति और गौतम बुद्धा की 50 फीट की मूर्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस मॉनेस्ट्री के लिए। नाइस, ली सिटी उस साइड है एंड में। अगर आप लोगों को पैदल आना है तो आप लोगों को यहाँ से सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा, तो कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा चढ़ने में ही। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस, हर साल यहाँ पे एक ठिकसे फेस्टिवल होता है 2 दिन का, और उस 2 दिन में आसपास के सभी जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं, और वो फेस्टिवल बिल्कुल हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहे हैं ये थोड़ा हल्ला हल्ला मचा रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया देख के। टोटल इसमें 10 से 12 फ्लोर्स है, और कुछ फ्लोर्स बंद कर रखे हैं, कुछ ही फ्लोर्स ओपन है। तो आप एक देखिए कुछ ऐसा दिखता है ठिकसे मॉनेस्ट्री, बहुत खूबसूरत। और आपको मेरे पीछे 2 पिलर्स दिख रहे हैं, इसमें गौतम बुद्धा द्वारा जो भी दिया गया ज्ञान है सब इस पिलर में लगा रखा है। ये जो कपड़े हैं इनमें, तो इस स्थान को भी पूजते हैं, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया सारा ज्ञान उन कपड़ों में लिखा गया है। आपको पास से दिखाता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं आपको लिखा हुआ, क्योंकि बहुत लाइट है। ये देखो, इस साइड के सारे फ्लोर इन्होंने बंद कर रखे हैं। ये ओपन है, ये ओपन है, टेरेस ओपन है, और ये वाला मंदिर ओपन है, और उधर वाला मंदिर ओपन है, बाकी सारा बंद कर रखा है फिलहाल। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस जगह के बारे में। आप लोग गाड़ी से आ सकते हो, पार्किंग नीचे ही है, वरना पैदल आना है तो पैदल का रास्ता इस साइड से है। आपको कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। कुछ सीढ़ियाँ पहले ऊपर जाएंगी, फिर थोड़ी नीचे से जाएंगी, फिर ऊपर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों को। 11,500 से भी ज़्यादा फीट की ऊँचाई में है ये ठिकसे मॉनेस्ट्री। कई लोगों की यहाँ पर सांसें फूल सकती है सीढ़ी चढ़ते समय, बट आराम से चढ़ना। गाइस, अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, लेट्स गो। 12:30 हो चुका है दोपहर का, और मुझे सारी मॉनेस्ट्री इसलिए भी अच्छी लग रही है क्योंकि मैं सारी मॉनेस्ट्री फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसलिए ये सब चीज़, ये सब कल्चर इसलिए है। ठंड तो नहीं हो रही, लेकिन मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, ऐसी पहन रखी है। गर्मी भी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, उतारने का मन नहीं कर रहा, ठीक ठाक लग रही है ना, इसलिए बढ़िया है। अभी हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, अब एक दूसरी जगह जाएंगे जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका नाम है शे पैलेस, SHEY PALAC।